औरंगाबाद मध्यमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कदीर मौलाना यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अमेय पाठक यांनी, पाहूयात. औरंगाबाद मध्य मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे प्रदीप जायस्वाल यांनी आपला उमेदवारी अर्ज केला दाखल केला, तर दुसरीकडं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कदीर मौलाना यांनीही जोरदार रॅली काढत शक्तीप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. माझ्यासोबत ते स्वतः आहेत. सर, काय सांगाल, कुठल्या मुद्द्यांना घेऊन तुम्ही या निवडणुकीला सामोरं जात आहे? मुद्दे तो बहुत है. सबसे पहले देश के अंदर नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा है. उसके बाद ये जो माहौल, जो फिरका परस्ती का और जातिवाद का जो माहौल बनाया जा रहा है, हमारा मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला. ये मुल्क सेकुलरिज्म पे आधारित मुल्क है और इस मुल्क को इस किस्म के गड़े में ढकेलने की कोशिश की जा रही है. हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही है. मुद्दे इतने हैं, काश्तकारी का मुद्दा है, लोग जो है तो आत्महत्या कर रहे हैं, शहरों में लोगों के हाथों पर काम नहीं है, नौजवान लोग पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं है. ये सरकार थापाड़ी सरकार है. सेंटर की सरकार भी थापाड़ी है और महाराष्ट्र की सरकार भी थापाड़ी. आज इकोनॉमिक हालात हमारी इतनी ख़राब हो गई है, हमारी जीडीपी 5 और 5.5 के अंदर में खेल रही है. 8.5% की जीडीपी बांग्लादेश जैसे देश के अंदर में है. हमारा इतना महासत्ता बनने वाला देश लोगों की नज़र इधर से हटाकर फिरका परस्त और जातिवाद की तरफ ले जाया जा रहा है. ऐसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है जैसे कश्मीर 370. मुझे बताओ, ये 370 से आम नौजवान, आम हिंदू, आम मुसलमान, आम उपेक्षित आदमी का क्या फ़ायदा होने वाला है? तुम इन मुद्दों के तरफ टर्न करके लोगों को गड़े में ढकेलने का काम कर रहे हैं. हमारा साफ आरोप है, हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बेपना आत्महत्या हो रही है और महिलाओं पे इतने अत्याचार, इतने बलात्कार हो रहे हैं. महाराष्ट्र 2nd नंबर के ऊपर बलात्कार के अंदर में आया है. हमारी माओ बहनों की हिफाजत ये सरकार नहीं कर सकती है और ये सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला के उनको मदद करने वाली जो 2-3 जमातें हैं, जो दलितों के नाम से काम कर रही है, कुछ जमातें मुसलमानों के नाम से कर रही है, मेरा आरोप सीधा असद अवैसी के ऊपर है. इन्होंने बीजेपी को मदद करने का काम किया है और उन्होंने भी बीजेपी को मदद करने का काम किया है. ये हरा और उदय झंडे को, हमारे दलित और मुसलमानों को एक तरफ पिघला के दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा ये कहना है, मुद्दे ये नहीं है, मुद्दे है बेरोजगारी का. नौजवान आज अपने हाथ पे काम चाहता है. महिलाओं की सेफ्टी होना चाहिए, हमारी माँ बहनों की हिफाजत होना चाहिए और काश्तकार की हिफाजत होना चाहिए. काश्तकारों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनके माल को भाव मिलना चाहिए. और गरीब और कामगार आदमी है, इंडस्ट्री बंद होने की वजह से लाखों लोग, लाखों इंडस्ट्री बंद हो रही है, उनके कामगार जो है घरों पे जा रहे हैं. आने वाले हालात के अंदर में इतनी परिस्थिति हमारी ख़राब होगी. रुपया आज हमारा है, तुम्हारा अगर 1 करोड़ रुपए का प्लाट है, अगर इसी हाल से डॉलर बढ़ता रहा तो तुम्हारे प्लाट की कीमत 25 लाख रुपये हो जाएंगी. तुम बैठे रहेंगे जगह पर और ज़मीन तुम्हारी 25 लाख रुपये की हो जाएगी, आप माइनस हो जाएंगे. आम आदमी इस बात को अभी उसको नजर नहीं आ रहा है. ये थोड़े दिन के अंदर में ये सारी बातें होने वाली है और मालूम होने वाला है. आज आप तुमची रैली निघालेली आहे, कसा प्रतिसाद तुम्हाला लोकांकडून मिळतोय याबद्दल काय सांगा? 100% लोकांचा प्रतिसाद आहे और सर्व समाजाचा प्रतिसाद आहे. हे बघा, आमची ताई, आमची बहीण आणि आमचे विजूराव साळवे हे दलित समाजाचे निळे फेटेवाले आमचे भाऊ, हे मुस्लिम, दलित, मराठा, इतर सगळे समाजाचे लोकांचा पाठिंबा आम्हाला आहे. आणि मला असं वाटतंय 100% ही निवडणूक आम्ही जिंकणार, म्हणजे जिंकणार, नक्कीच 100% ही निवडणूक जिंकणार असा विश्वास कदीर मौलाना यांनी व्यक्त केला आहे. आता मतदार राजा कोणाला कौल देतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कॅमेरामन महेश सोबत अमेय पाठक, AM न्यूज, औरंगाबाद.